एंड काफी लोग कमेंट्स करे जा रहे थे इतने दिन से कि कब निकलोगे कब निकलोगे। अब वो दिन आ ही गया है। और सबसे बेकार चीज हुई है भाई, हम ये फ्रिज भी नहीं ले जा पा रहे, इतना महंगा फ्रिज था। हमने क्या क्या सपने संजोए थे कि यहाँ पे बोर्ड भी आ गया है वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। एंड जो लोग कहते हैं कि जयपुर तक ही एक्सप्रेस वे है, जी हाँ भाई, जयपुर के बाद जो एक्सप्रेस वे से हमें नीचे उतार दिया गया है। बाकी अभी तक का रूट बताऊँ तो भाई अच्छी रोड थी, कहीं पे भी ऑफ रोडिंग वाला पैच नहीं आया। चलो भाई दर्शन हो गए अच्छे से, विभूति और प्रसाद दोनों ले लिया। एंड ये रहे सामने द्वारका। लो जी लो, फाइनली भाई मुंबई पहुंच गए हैं हम। चलो भाई फाइनली सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है कल सुबह निकलने के लिए। एंड काफी लोग कमेंट्स करे जा रहे थे इतने दिन से कि कब निकलोगे कब निकलोगे। अब वो दिन आ ही गया है, 22 अप्रैल चढ़ चुकी है, रात के वैसे 2 बज रहे हैं तो 22 ही शुरू हो गई है। और सुबह प्लान तो है 4:30-5 बजे निकलने का, बट पता नहीं निकलेंगे कितने बजे। पांडे भी आ गया है, एक्साइटेड है। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में आप देखोगे हम जाएंगे भाई दिल्ली टू मुंबई, क्योंकि मुंबई से अपनी गाड़ी शिप होएगी ईरान के लिए। तो ये ऑफिशियली फर्स्ट एपिसोड आप कह सकते हो, वैसे तो ये 8वां या 9वां एपिसोड होगा पूरे ट्रिप का, क्योंकि पहले के शुरू के जो 7 एपिसोड है उसमें हमने वीजा कार्नेट ये सब की चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। अब प्रॉपर ट्रेवल वीडियोज आएगी 100 या 110 एपिसोड। भाई ये सारा सामान है जो हमें गाड़ी में फिट करना है, और इन सब की ना एक एक लिस्ट भी बनानी है चीजों की, क्या क्या वेट और वेट के साथ कॉस्ट। हाँ, क्योंकि भाई जो शिपिंग है ना वो बड़ी टेढ़ी चीज है, मतलब दिमाग खराब हो गया हमारा बहुत दिन से शिपिंग का सोच सोच के। बट अब ठीक है यार, परसों तरसों तक शिप हो जाएगी ना, तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी अपनी। बट अब इनको अच्छे से एक एक लिस्ट बनाते हैं और वेट भी इनका नापते हैं, और क्या क्या सामान ले जा रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कभी वीडियोस बनाई थी ना अनमोल गैराज की सर्विस वाली, वो चेकआउट कर लेना, अब इस वीडियो में बार बार नहीं बताऊंगा। बाकी एक ये चीज ऐड करी है, तिरपाल कभी लीक वीक हो जाए कुछ ऊपर से सनरूफ वगैरह उसके लिए, बाकी तो वही सारा सामान है। चलो भाई चलो शुरू करें। अब आपको भाई गाड़ी अच्छे से दिखेगी, यहाँ पे प्रॉपर स्टूडियो लाइट लगा लिया ताकि शूट अच्छे से हो सके। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 22 अप्रैल 2023, मैं हूँ अभी गुड़गांव में, और आप देख रहे हो भाई हमारी दिल्ली टू लंदन की रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 8, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। एंड आज के इस एपिसोड में भाई हम जाने वाले हैं पहले गुड़गांव से दिल्ली इंडिया गेट फ्लैग ऑफ के लिए, फिर दिल्ली से वापस गुड़गांव आएंगे, मुंबई वाला एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, रस्ते में शायद से इंदौर रुकेंगे, उसके बाद शिरडी जाएंगे दर्शन करने, एंड देन शिरडी से हम फाइनली पहुंचेंगे मुंबई अपनी मेन डेस्टिनेशन, क्योंकि मुंबई के एक पोर्ट से हमारी गाड़ी शिप होएगी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे। ये देखो भाई साहब इतना सारा सामान है जो हमें अभी गाड़ी में ना फिट करना है। अभी तो अच्छा ऊपर रूफ कैरियर लगा हुआ है कि जो जेरी कैन और सैंड लैडर है ना वो गाड़ी के ऊपर ही फिट हो गए, वरना उसको भी अंदर रखना पड़ जाता तो बहुत झंझट की बात होती। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे कहां कहां पे मैनेज करना है फटाफट। चलो जी फाइनली 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद सारा सामान हमने सेट कर लिया, लिस्ट भी बना लिया क्योंकि शिपिंग वालों को देनी है प्रॉपर, तो सारा सामान ये पोर्ट पे जाके वापस से उतारना पड़ेगा। और ये रहा अपना गद्दा, आपने अनमोल गैराज चैनल पे देख ही लिया होगा, उल्टा रखा है शायद, टेबल हटाओ भाई नीचे से, ये जूते अंदर रखते हैं भाई। एंड ये सारा सामान जो है हमने निकाल दिया, जितनी जितनी जरूरत थी अब वही रखा है। एंड ये वाओ के प्रोडक्ट्स भी ना भाई मुझे भेजने तो उसी में थे शिपिंग में, बट ये जा नहीं पा रहे क्योंकि इसमें ना परफ्यूम है, तो परफ्यूम के अंदर गैस होती है तो गैस अलाउड नहीं है शिपिंग में, इसलिए हम ये फ्लाइट में कैरी करेंगे सारे प्रोडक्ट्स। इनका एक ये परफ्यूम भी है जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, काफी अच्छा है, गुलमर्ग मिस्ट, तो सारा कुछ जब ही कैरी करेंगे फ्लाइट से। बाकी कूलेंट जो है भाई 6 लीटर था बट अभी 3 ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने कारनेट बनवाया था ना मैंने गलती कर दी, उस टाइम पे कूलेंट ना कारनेट में 3 लीटर ही मेंशन करवाया था, अब उसमें 3 लीटर मेंशन है तो हम 6 लीटर नहीं ले जा सकते, इसलिए 3 लीटर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और सबसे बेकार चीज हुई है भाई, हम ये फ्रिज भी नहीं ले जा पा रहे, इतना महंगा फ्रिज था। हमने क्या क्या सपने संजोए थे कि मस्त चिल चिल पानी पिया करेंगे रस्ते में, बिमरा वाली वीडियो में आपने देखा होगा, बट क्योंकि इसके अंदर भी एक कंप्रेसर लगा हुआ है और कंप्रेसर के अंदर गैस होती है तो गैस शिपिंग में अलाउड नहीं है, मैंने आपको बताया, इसलिए फ्रीजर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। पांडे ने तो क्या क्या सोचा था। तो गाड़ी भाई अपनी A to Z रेडी हो चुकी है लंदन के लिए निकलने के लिए, मतलब सामान रख के ना भाई साहब इतनी एक्साइटमेंट सी हो रही है अंदर ही अंदर की ऐसे, मतलब 110 दिन हम गाड़ी चलाने वाले हैं और वो भी 24,000-25,000 किलोमीटर, भाई नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी व्लॉग्स में। चलो जी चलो करो लॉक करो, और मच्छर बहुत घुस गए भाई गाड़ी में, वो बटन दबा दो बस, वो अंदर नहीं है। अरे ये बटन दबा दो चाचा,
बढ़िया गाड़ियों में रिक्वेस्ट बढ़िया गाड़ी नहीं अंदर भी लाइट्स ऑफ करो सारे पहले। इस फ्रिज को लेकर हम फिर से रिस्क ले रहे हैं कि एक बार ले चलते हैं, अगर उन्होंने अलाउ करा तो ले ही जाएंगे, नहीं करा तो मुंबई में किसी के छोड़ देंगे, है ना पक्का कोई रिश्तेदार। चलो ठीक है वहीं पे ये है, बेच नहीं जाएगा शिपिंग पे, इस दौरान पता चलेगा ले जा पाए रहे है या नहीं ले जा पा रहे, ले जा रहे होंगे तो मस्त भाई साहब गजब हो जाएगा, रस्ते में मजा आएगा। चलो भाई ऊपर जाके सोते हैं थोड़ी देर और उठते हैं फिर, कितने 4 तो ऑलरेडी बजी चुके हैं, अब 2-3 घंटे बचे हुए हैं, इतनी नींद होएगी पूरी ले लेंगे। 8 क्यों, 6 बजे तक सोएंगे, 6:30 निकल लेंगे। The next morning. चलो भाई चलो फाइनली सुबह उठ गए हैं, हालांकि जितने बजे सोचा था उससे लेट ही हो गए। मैंने तो भाई मुंबई के लिए एक ये छोटा सूटकेस ले लिया एंड एक अपना ये लैपटॉप बैग है, इसमें डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप रख लिए सारे एंड ये खड़ी है भाई यहाँ पर, अपनी गाड़ी रेडी है बिल्कुल, सामान वगैरह सारा लोड कर दिया, कुछ भी अब एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। चलो जी गाड़ी जो है वो ठसा ठस बिल्कुल भर दी है। अब आप सोच रहे होंगे मुंबई जाने के लिए इतना सारा लगेज क्यों ले जा रहे हैं, जबकि हम तो मुंबई से वापस आएंगे फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे हम दुबई या ईरान की। तो एक्चुअल में हम 2 लोग नहीं भाई, 3 लोग जा रहे हैं, कांगे तीसरे वाले भाई साहब उन वो कहाँ तक जा रहे हैं, मुंबई तक हमारे साथ, है ना, क्योंकि वो इवेंट में आए थे। बाकी रात को हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स पड़े हुए थे वो सब लगा लिए, अब गाड़ी बंद करो, पाइप मारना है पानी का, बाहर नहीं, बाहर तो कीचड़ मच जाएगा, मना करते हैं। और आज गाड़ी धोने वाले भैया नहीं आए अभी तक, तो हमें ही पाइप से जो है पानी मार के कपड़े से साफ करना है। चलो जी चलो सब हो गया रेडी, ओके जी मिलते हैं आके। अभी ये फाइनल लंदन जाने से पहले वाला बाई नहीं है, क्योंकि हम मुंबई से वापस आएंगे अभी 3-4 दिन के लिए, ठीक है, चिंता नहीं करनी। ओके ओके चलो जी ठीक है पापा, ठीक है ईशु बाय जी, लो लो जी लो माँ के क्यों छूने। चलो जी चलो बाय बाय, ठीक है अन्नू अच्छा, ओके जी ओके बाय। चलो भाई लोग फाइनली निकल गए हैं, बैठ गए हैं और अभी पांडे जी गए हैं लेने के लिए नारियल। अरे ये गंदी कैसे हो रही है, इसको साफ करेंगे हम मस्त मस्त एकदम। नारियल इसलिए क्योंकि भाई अभी हम गुड़गांव से जा रहे हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट में हम फ्लैग ऑफ सेरेमनी करेंगे छोटी सी, किसी को बुलाया नहीं है, बस अपने ही फोटो वीडियोस लेके फाइनली जो ऑफिशियल ट्रिप है अपनी इंडिया गेट से शुरू होने वाली, क्योंकि दिल्ली टू लंदन है ना, गुड़गांव टू लंदन नहीं है, इसलिए इंडिया गेट हमने सेंटर चूज किया है और फिर हम आज के दिन मतलब इस व्लॉग में पहुंच जाएंगे शायद मुंबई, मेरे ख्याल तो उम्मीद तो है, मुंबई यहां से 1300-1400 किलोमीटर है और अब एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो दिल्ली टू मुंबई या फिर गुड़गांव टू मुंबई एक्सप्रेसवे की पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, रास्ते में कितने स्टॉप्स मिलते हैं, कितने घंटे लगेंगे, एवरेज स्पीड क्या वहां पर मेंटेन हो रही है, तो वो सब कुछ आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब लंदन ट्रिप इतनी बड़ी है कि ऐसे मुंबई जाना ना बहुत छोटी सी बात लग रही है, सोचो मतलब जिन लोगों ने लंदन तक का 20-25,000 किलोमीटर तक का माइंड अपना बना लिया है उनके लिए 1200-1300 किलोमीटर मुंबई तक का तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ऊपर से इंडिया है अपना ये, तो बाहर जाने में फटती है भाई, रूल्स चेंज होंगे, रोड का पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ओवरटेक राइट से नहीं लेफ्ट से लेना होगा, तो बहुत झंझट वाली चीज है, बट ठीक है भाई चला लेंगे। और जी बढ़िया गाड़ी से चलने में मजेदार है। चलो भाई चलो, चलो जी फाइनली इंडिया गेट वाले एरिया में पहुंच चुके हैं और अभी हम जगह देख रहे हैं जहां पर गाड़ी लगा सके थोड़ी देर के लिए और बैकग्राउंड में इंडिया गेट भी दिखे अपना, ताकि मस्त वहां से फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो जाए। तो एक मैंने जगह तो देखी थी, अगर आपको याद होगा मैं X7 लेकर आया था घर वालों के साथ, तो हमने वहीं पे ही लगाई थी, वो कहाँ थी मुझे ये याद नहीं है, ये क्या राज ईद है भाई, इसलिए ना रास्ता भी खाली मिला, वरना ट्रैफिक बहुत मिलता हाईवे पे, क्योंकि जॉब वाले आते हैं दिल्ली से गुड़गांव, बट आज ऑफिसेज बंद होंगे आधे से ज्यादा ईद की वजह से, इसलिए थोड़ा मस्त जल्दी जल्दी पहुंच गए। लो जी बिल्कुल सेंटर विच लगा दी है 80 गड्डी और पीछे देखो सड्डे है कि है इंडिया गेट, वाह जी वाह गजब, और पूरा खाली पड़ा, भीड़ भड़क का कुछ नहीं है, मस्त रील और फोटोज आएगी एंड अपनी फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी अच्छे से हो जाएगी। चलो भाई चलो, सारी सेरेमनी फ्लैग ऑफ की हमने कर लिया इंडिया गेट से एंड शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट उसके बाद आर्मी वाले आ गए थे और उन्होंने हमें भगा दिया कि यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो ज्यादा देर, तो इसलिए हम फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसके बाद, बट नारियल वगैरह सब कुछ अच्छे से कर दिया है हमने
और अब हम फाइनली निकल रहे हैं वापस गुड़गांव के लिए। आए थे गुड़गांव से दिल्ली, अब दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं क्योंकि वहीं से ही जो है वो मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ता है। तो एक बार एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे फिर तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता ऐसे भगाते। और अभी पांडे ड्राइव कर रहा है मैं पीछे, हा मजे से लेटो भाई साहब। सही डिसीजन था ये बेड बनवाने का, क्या सुकून है। नहीं आ रही क्या, मेरे पैर नहीं आ रहे, वो तुम्हारे पैर इतने लंबे, मेरी क्या गलती है। पर मजा बहुत आ रहा है भाई, एसी चल रहा है, तकिया पीछे ले रखा है, जिंदगी सफल। लो जी लो, पेट्रोल पंप मिल गया है और पेट्रोल पंप पे हम डीजल भरवाएंगे। वैसे पेट्रोल पंप ही क्यों बोलते हैं, डीजल पंप क्यों नहीं बोलते, सीएनजी स्टेशन तो बोलते हैं, गलत बात है तो डीजल वालों के साथ। हेलो भाई, मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है। कितनी लेना है भाई साहब, 1, 2, 3, 4 लेना और एक साइड में छोटी सी बच्चों के लिए भी लेना। 5 लेन इधर हो गई भाई साहब, 5 उधर, 10 लेन का हाईवे है तो एक्सप्रेस वे। सॉरी क्या कह रहे हो, खाना वाना नहीं मिलेगा आज, खाली पेट व्रत रहेगा। ना लोगों को ज्यादा पता नहीं है और एक्सप्रेसवे के बारे में यूट्यूब पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ तक खुला है, कहाँ तक बना है, क्या है, कितना रास्ता है। यहाँ पे बोर्ड भी आ गया है वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे मुंबई तक चालू है नहीं। अब कहाँ तक है वो हम भी देखेंगे, भगाते हैं फटाफट से यहाँ से। तो भाई ये हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप आया है। मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम चढ़े हुए और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है खाने पीने का भी, बट ये पेट्रोल पंप के पीछे ही टॉयलेट्स तो मिल गए हैं, रेस्ट रूम और वहाँ पे कुछ खाने का भी है। मेरे को हो रहा है थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़, पहले मैं जाता हूँ वॉशरूम, उसके बाद कुछ खाएंगे तगड़ा सा। अभी ना ये बिल्डिंग्स वगैरह बंद तो गई है लेकिन आधी से ज्यादा चालू नहीं है, मतलब खाली पड़े हुए, वो भी खाली पड़ा है शायद, ये भी देख लो खाली सही है। ये सब अभी धीरे धीरे स्टार्ट होंगे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। भाई साहब वॉशरूम तो बिल्कुल साफ सुथरे थे, ऐसे अच्छे से बने हुए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और पेट मस्त खाली हो चुका है अपना। अब इसको वापस भरने का टाइम आ गया। एंड ये है भाई वो हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप, इसके बाद हरियाणा का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आएगा। क्या खाया, टेस्टी है, रेडी टू ईट है, only 200 रुपीस फॉर दिस मच क्वांटिटी। महंगे है मतलब, बहुत। फिर क्या कहते हो, भूख तो लग रही है, खा लें चाहिए, पर एक खा लो मेरे हिसाब से। एक काम करते ना, एक और ले लो फिर 2 लेके उसमें शेयर कर लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा, आगे नहीं खाएंगे, इतना बर्थ नहीं है ना फालतू का पैसा। एक के पैसे मैंने दे रखे हैं, सुनो, एक राजमा के छोले बोले हैं वो ले लो, छोले मतलब फिर राजमा ही लो, हो गए क्या भैया, एक राजमा एक छोले। ये मेन्यू है भाई देख लो, राजमा राइस 200 रुपए के, ऑब्वियसली महंगा है। हो गए क्या भैया, एक राजमा एक छोले थे गाड़ी का 200 रुपए के हिसाब से, क्वांटिटी तो वर्थ इट नहीं है बट टेस्ट ठीक ठाक सा है, मिल रहा है खाना वही बहुत है फिलहाल। थोड़ा थोड़ा पेट भर गया भाई ठीक है, बट ज्यादा महंगा खाना है तो इतना नहीं खाएंगे अभी, अभी के लिए चलते हैं फिलहाल। तो बीच बीच में भाई मौसम ठीक हो रहा है और एकदम से धूप आ जाती है, फिर गर्मी हो गई है, 1:30 बज रहा है दोपहर। अभी सुबह से हम टोटल भाई 119 यानी 119 किलोमीटर चल चुके हैं। टाइम बहुत लग गया क्योंकि इंडिया गेट पे भी 1.5-2 घंटा लगा, फिर आना जाना गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, उसमें टाइम वेस्ट हुआ है बहुत ज्यादा और निकले भी लेट थे हमें, मेरे ख्याल 10 बज गए थे निकलते, नहीं 9:30 बजे निकले हम घर से, तो इसलिए 1:47 हो रहे हैं अभी। जगह कौन सी है ये नहीं पता, एक्सप्रेस वे पे कुछ वैसे नहीं पता लगता भाई, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, बस चलते जाओ। फिलहाल के लिए 1.5 घंटा मैं गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि अभी अभी खाना खाया भाई, लेट नहीं सकता, लेटूंगा तो फिर एसिड रिफ्लक्स होगा और नहीं लेना, तो इसलिए 1.5 घंटा चलाने के बाद फिर पांडे चला लेगा। एंड भाई 119 किलोमीटर चलने के बाद भी फ्यूल टैंक ज्यादा भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ, बिल्कुल जरा सा खाली हुए थे। अगर जहाँ पे हमने अभी वो खाए ना राजमा चावल, वहीं तक जो है ना वो दिक्कत थी थोड़ी सी फूड कोर्ट्स को लेकर, बट उसके बाद भाई हर 15-20 किलोमीटर पे एक फूड कोर्ट तो आ ही जाता है जहाँ पे 3-4 आउटलेट बने हुए हैं। तो इस एक्सप्रेस वे पे मेरे को लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब ऐसा मत समझना कि मिलेगा नहीं कुछ भी, फ्यूल पंप भी आ रहे है, खाने का भी आ रहा है और ऐसी मतलब धीरे धीरे ना और डेवलप हो भी रहे है, अभी तो जितने है वो है पर और बन जाएंगे अभी काफी। फिलहाल यहाँ देख सकते हो आप भाई, जयपुर 101 किलोमीटर रह गया केवल, और काफी लोगों से हमने बात करी रास्ते में, वो कह रहे जयपुर तक ही है एक्सप्रेस वे प्रॉपर, उसके बाद आपको नीचे उतरना पड़ेगा, तो लेट्स सी क्या बनती है बात। फिलहाल गाड़ी हमारी लगभग 200-210 किलोमीटर चल चुकी है सुबह से, यहाँ पे पांडे भी सो गया है और पीछे भाई भी सो गए, तो जयपुर तक देखते हैं मैं खींच दूंगा क्योंकि 100 किलोमीटर है ना तो 50 मिनट मैक्स 50 या 55 मिनट में पहुंच जाएंगे हम, इसी तरह से अगर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे विदाउट ब्रेक। और अब ब्रेक तो लेनी भी क्या भाई, चला लूंगा मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो नींद मुझे भी लिया बट ठीक है, अभी 2 लोग थोड़ी नींद पूरी कर लेंगे फिर मैं सो जाऊंगा उसके बाद। ये एक्सप्रेसवे भाई जिस दिन पूरा मुंबई तक रेडी हो जाएगा ना A to Z, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल वाला मजा आ जाएगा, आप समझ रहे हो, मतलब 1250-1300 किलोमीटर आप 10 से 11 घंटे में कर सकते हो, जबकि यही किलोमीटर करने में अभी जो है वो 23-24 घंटे लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हाफ कट हो जाएगा भाई साहब, बहुत सही चीज है। हालांकि ये एक्सप्रेस वे थोड़े बोरिंग होते हैं, ऐसे नींद सी आने लग जाती है, पर स्टिल भाई टाइम बच रहा है वो काफी इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ टायर प्रेशर में दिक्कत आ रही थी, मतलब ज्यादा ही बन रहा है टायर प्रेशर हीट की वजह से, तो इसलिए रुके अभी पांडे निकाल रहा है, थोड़ा सा और बस, ज्यादा नहीं,
थोड़ा और बस रहने दो रहने दो। हाँ लो भाई अब ये सही हो गया, 36 37 37 37। अभी धूप कम हुई है भाई, अच्छा सा मौसम हो रहा है, हवा हवा चल रही है। ये देखना कितनी तेज गाड़ियाँ निकलती है, जब हम खुद ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं चलता दूसरी गाड़ियाँ इतनी तेज जा रही है, लेकिन आप स्टेशनरी रहो तब होता है। चलो भाई एक्सप्रेस वे से उतर गए हैं नीचे, एंड जो लोग कहते हैं कि जयपुर तक ही एक्सप्रेस वे है, जी हाँ भाई जयपुर के बाद जो एक्सप्रेस वे से हमें नीचे उतार दिया गया है, इसके आगे का अभी तक बना नहीं है। और दूसरी चीज, अभी तक भाई पहला जो टोल लगा है वो लगा था 125 रुपए का सोना में, और उसके बाद जो है वो 525 रुपए का टोल लगा है मेन एक्सप्रेसवे का। तो यही दो टोल लगते हैं सिर्फ अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो जयपुर तक, और जयपुर तक तो बहुत सही है भाई, यही अगर बन जाए ना मुंबई तक तो मजा सा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल वाला। अब बाकी यहाँ से कोशिश यही है कि गुजरात में देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कितना है टोटल 1200 किलोमीटर यहाँ से मुंबई, 1150 किलोमीटर मुंबई बचा हुआ है, जो मुझे नहीं लग रहा आज हो पाया क्योंकि नींद आ रही है सबको, कल रात को किसी की नींद पूरी नहीं हुई, तो आज 500-600 किलोमीटर और खींचते हैं, बाकी फिर कल सुबह उठ के तब निकलेंगे। तो अभी भाई टोटल आज के दिन में हम 481 किलोमीटर चल चुके हैं, एंड राजस्थान में कहीं पे है हम, और स्टिल अभी मुंबई जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर ही है थोड़ा सा। एंड ये दिल्ली टू मुंबई की जो हमारी ट्रिप है ना, इसमें भाई टोटल 5 स्टेट होने वाली है, अपना गुड़गांव हरियाणा यानी कि दिल्ली हो गया, उसके बाद फिर तीसरा राजस्थान एंटर करे हम, चौथा मध्य प्रदेश अपना इंदौर आएगा, और फिर पांचवा जो है वो फाइनली महाराष्ट्र मुंबई में जाएंगे। और मोटा मोटा ये 1400 या 1500 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है भाई, जिसमें हमारे 24 घंटे के आसपास लग रहे हैं, और यही मैंने आपको बताया अगर एक्सप्रेस वे पूरा चालू होता तो आधा हो जाता सीधा किलोमीटर, हो जाते मेरे ख्याल 1200 या 1250, टाइम बहुत बच जाता क्योंकि एक्सप्रेस वे पे स्पीड अच्छे से मेंटेन हो जाती है ना, कि इस तरह के हाईवे पे इतनी स्पीड मेंटेन नहीं होती है, देखो 70-80-90 मैक्स टू मैक्स इतना ही जाता है, ज्यादा चला भी नहीं सकते, और अब वैसे ही धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है तो थोड़ी स्पीड जो है एवरेज वो और कम हो जाएगी। देखते हैं आज के दिन में जितना खींचेगा उतना खींचेंगे भाई, फिर बाकी होटल लेके रुकेंगे और कल सुबह खींचेंगे बचा हुआ। भाई सामने देखो धुआं और आग लगी पड़ी है बहुत तगड़ी वाली, अब ये पता नहीं किसी ने खेतों में लगाई है वो जो एक्स्ट्रा फालतू की क्रॉप सूख जाती है ना, वीड कहते हैं जिसे, उसको जलाने के लिए, या फिर पता नहीं जेन्युइनली कुछ आग लगी हुई है, पर है बहुत बड़ी आग, वो देखो पूरा येलो ऑरेंज सा हुआ पड़ा है। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई यहाँ पे फ्यूल ब्रेक ली गई है, सुबह से 450 किलोमीटर चल चुकी है एंड डीजल खत्म हो गया है, तो डीजल भरवा रहे, और इसकी एक वीडियो भी बना रहा हूँ कितनी एवरेज ये देगी गाड़ी, जो आपको अनमोल्स गैराज पे दिखेगी। एंड इधर देखो भाई ओए क्या आसमान हो रहा है ना, पूरा येलोश नहीं ऑरेंजिश कहेंगे, और मस्त मौसम है भाई राजस्थान में यहाँ, बट यहाँ पे डीजल भाई महंगा है, 97 रुपीज है, नहीं सॉरी 97 नहीं 93 है, पेट्रोल है 107 या 108 रुपए, मेरे ख्याल से तो भाई 40 लीटर के ऊपर ही आएगा, 30 तो भर ही गया। भाई ये ढाबा मिला रस्ते में, अभी भी हम राजस्थान में ही हैं, मध्य प्रदेश में एंटर नहीं किया, तो यहाँ पे चाय वाय पीते हैं भाई, मजे आगे पीछे गद्दे के इसलिए लगवाया है, तो मेरी भी नींद पूरी हो गई है कुछ और पांडे की भी हो गई है, तो अब थोड़ी देर पांडे चलाएगा, मैंने चला ली 2:30 घंटे। चलो 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 उतरो, पहले चाय पी रहे, ये मैंने तो नहीं पी रही। ये भाई सुकेत करके कोई जगह है यहाँ पे, फुकेत थाईलैंड में है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या ले लिया इन्होंने, पापड़ वापड़, हम तो ये पाइप खाएंगे। हेलो खा लो खा लो खा लो, अभी गाड़ी चलानी है 2-3 बजे तक बेटा, क्या है ऐसा करो बस पकड़ो और वापिस चले जाओ, तुम्हें जाना लंदन, पहले दिन ही ये हालत है। मेरा डायलॉग मेरे पे चिप रहा है, सो रहा है ना ये, कब से बता दो बस भाई, है ना जिसका व्लॉग उसकी बातें, अच्छा और उसकी ऑडियंस, बताओ भाई ऐसा है नहीं है ना, बस देखा भाई साहब बहुत सारे मच्छरों के आज खून हुए हैं, तो अभी साफ कर देते वरना ये सूख गए ना तो हटाने मुश्किल हो जाएंगे लाइट के आगे से, विंडशील्ड तो मैंने कर दी साफ। चलो जी अब ऑल सेट टू गो, मैं चला पीछे लेटने, पांडे चलाएगा 2-3 घंटे के लिए गाड़ी। टोटल अभी यहाँ से इंदौर बचा हुआ है भाई लगभग 350 किलोमीटर, 325 किलोमीटर, तो 5-5.5 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 घंटे पांडे, 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे इंदौर में, शायद हॉस्टल ले लेंगे आज रात को। अब ये नहीं पता कि मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगा या आज ही खत्म कर दूंगा, वो देखना पड़ेगा। तो भाई हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के आउटर में, आए तो सिटी से ही है पर यहाँ है, हाँ वो सिटी में ही तो थे जहाँ पे लोग मिले थे वो। तो पांडे यहाँ पे रह चुका है एक बार इस वाले होटल में जब ये मुंबई वाली राइड पे आया था, आज रात भाई यहीं पे ठिकाना लगाने का सोच रहे क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, रात के 2:30 बज चुके हैं और बैंड बज गई है ना, नींद पूरी हो रखी है, थकान अलग हो रही है, तो रात को यहीं सो के फिर सुबह कंटिन्यू करेंगे, और हम शायद नहीं मतलब कंफर्म ही है कि बीच में शिरडी होते हुए दर्शन करके फिर मुंबई वाले रूम देख के आते हैं और डन करते हैं। रूम ऊपर ले लिया बट भाई वहाँ जाने से पहले खाना मंगवा लिया, नीचे ही बहुत तेज भूख लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये रूम था भाई जहाँ पे हम रात को रुके थे, ऐसे मस्त दो बेड लगे हुए हैं, सिंगल भी सो सकते हो वरना यहाँ सोफे में सो जाओ। हम तीन लोग थे, बड़े आराम से सो गए, सिर्फ और सिर्फ भाई 1000 रुपए पर नाइट पड़ा। अच्छी बात ये एसी था क्योंकि भाई हम मध्य प्रदेश एंटर कर चुके हैं, गर्मी यहाँ पे तबड़ तोड़
था एकदम, बाकी वॉशरूम ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था, थोड़ा टूटी उटी है। ओवरऑल 1000 रुपए में तीन बंदों का भाई और क्या चाहिए, 350 रुपए पर पर्सन। और सोना ही तो था, 3:30 तो ऑलरेडी बज चुके थे और अब सुबह के 10 बज गए हैं, रेडी हो गए नहा धो के कि आज हमें पहले जाना है शिरडी, वहाँ दर्शन करने हैं, फिर वहाँ से शिरडी से निकलेंगे मुंबई के लिए। बाकी अभी तक का रूट बताऊं तो भाई अच्छी रोड थी, कहीं पे भी ऑफ रोडिंग वाला पैच नहीं आया, बट सब लोग बता रहे यहाँ से अगर आप शिरडी जाओगे ना तो 40-50 किलोमीटर का ना गंदा पैच आएगा ऑफ रोडिंग वाला। बाकी अगर डायरेक्ट मुंबई जाना चाहते हो तो इस रूट से ना जाके पीछे से एक कट कटता है, वहां से आप डायरेक्ट मुंबई जा सकते हो। और अगर एक्सप्रेस वे के टाइम पे आओगे तो भैया फिर तो सिंपल है, 10-12 घंटे में यहाँ दिल्ली से अपना गुड़गांव से मुंबई पहुंच जाओगे। हमें क्योंकि शिरडी जाना था बीच में दर्शन करते हुए, तो थोड़ा सा इसलिए हमें ये वाला रूट पकड़ना पड़ा, इंदौर बाईपास। तो वो जो ढाबा या होटल था उसकी बैक साइड में ये रूम्स बने हुए हैं, बिल्कुल इसी के नीचे अपनी गाड़ी भी खड़ी है। खाना भी भाई टेस्टी था, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा रखते तो आप बोल देना मिर्ची कम करने को, वरना राजस्थान और इन एरिया में पता ही है भाई मिर्ची ज्यादा खाई जाती है। और गाड़ी काफी ज्यादा गंदी हो रही है, लगेज वापस से लोड कर दिया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर लिया परांठे आलू के, अब निकलते भाई फटाफट से यहाँ से। लगभग यहाँ से अपना शिरडी जो है वो 350 किलोमीटर के आसपास है, और गूगल मैप पे रास्ता दिखा रहा है 6 घंटे का, बट देखते कितने में कवर हो जाएगा, क्योंकि रोड मैंने आपको बताया ना खराब है थोड़ी सी। क्या हो गया भैया, क्यों भीड़ लगा ली है? चलो भाई चले, मिश्री खा लिया, खाने के बाद मिश्री मिल जाए भाई, मजा आ जाता है। एंड फाइनली भाई लोग हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश को छोड़ के। पीछे अभी अभी टोल टैक्स गया है, हमारे तो कोई नहीं लगा, ट्रकों के लिए लाइन लगी हुई थी मेनली, तो वैसे भी अपना फास्ट टैग लगा हुआ है गाड़ी में, तो वो पेटीएम से ही कटते जा रहे। कल मैंने 2000 रुपए लोड कर दिए थे, एंड भाई कल में ही ना मेरे हिसाब से हमारा कितना 1000 रुपए के आसपास तो टोल लग ही गया था, क्योंकि 500 कुछ का एक बार ऊपर ही लगा, 500 वो 250 वो, उसके अलावा 3 टोल और छोटे छोटे लगे। हाँ तो वो तो पेटीएम की हिस्ट्री में मैं बताऊंगा एंड में, देख के ही पूरा मुंबई तक एग्जैक्ट आने में कितना टोल का खर्चा हुआ है अपने गुड़गांव से। अराउंड मेरे हिसाब से 2000 रुपए पूरा हो जाएगा, जिस हिसाब से अभी शिरडी भी जाना है, फिर शिरडी से मुंबई भी जाना है। एंड ये जो शिरडी वाला रूट है ना भाई, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, अगर आप शिरडी नहीं जाते तो 100 किलोमीटर कम करके उस हिसाब से मुंबई पहुंच सकते हो। इतना दिखा रहा लोकेशन अभी डाली हुई है, अभी जो है भाई टोटल 211 किलोमीटर बचा है शिरडी तक का। तो पेट्रोल पंप का है आगे, अरे यही है एचपी का, तो अभी डीजल खत्म पड़ा है, डीजल फिल करवाते हैं। अभी ना हम ऊपर तक नहीं भरवाएंगे, सिर्फ ऑटो कट पे रोक देंगे, डीजल ऑटो कट पे रोक देना, क्योंकि फुल ना टैंक करवाना नहीं चाहिए, वो तो मैंने एवरेज करनी थी, कैलकुलेट इसलिए करा था पिछली बार, वरना जहाँ ऑटो कट हो जाए बस वहीं छोड़। भाई साहब महाराष्ट्र आते ही ना ऐसे लोगों की टोन बदल गई है, मेरे को मतलब मस्त लैंग्वेज लगती है भाई यहाँ की, जिस तरह से बात करते हैं ना। मेरे 3-4 जानकार और दोस्त भी है जो प्रॉपर महाराष्ट्र के हैं, एंड वो भी भाई उसी तरह से बात करते हैं, मतलब समझ गए ना आप कैसे मैं बोल रहा हूँ, कि जो महाराष्ट्र की प्रॉपर लैंग्वेज होती है, तो मजा आता है भाई सुनने में, ऐसे अलग ही स्टाइल का है, जैसे दिल्ली वालों के एक अलग ही टोन होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी अलग ही टोन है। तो टोटल भाई 50 लीटर डीजल आया और यहाँ पे रेट चल रहा है 93.16, तो राजस्थान से तो ज्यादा महंगा नहीं है, महाराष्ट्र में सेम ही है। पेट्रोल क्या रेट है? 106, वहाँ पे राजस्थान में 109 या 110 रुपए था, तो राजस्थान महंगा है इसका मतलब। बाकी अभी ये पेमेंट कर देते हैं 46.59। ये रास्ता कैसे शिरडी तक का? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी पक्का, देख लो कंफर्म। कैसे बताया था? टापा टॉप। अच्छा जी, थोड़ा आगे लगाओ, वो चेक करना है। चलो चलो, वहाँ लगा लो ना सामने, अरे एयर वाले के लगा लो। अरे आगे ही बड़ा पाव, चेक कर बड़ा पाव। अरे यार बड़ा पाव, टाइम भी नहीं होगा ना लाइन लेके, तो वहीं खड़े होंगे वहाँ पे, छावना हुई फिर। तुमने पहले ही देख लिया है क्या? कुछ भी है फालतू की, मेंबरशिप लॉयल्टी बोनस देना चाहिए था ना तुम्हें कुछ। अभी आगे थोड़ा बड़ा पाव वाला है, वहाँ पे रोकेंगे फिर चेक करेंगे। कुछ भी पहली बार आ रहे हो रास्ते पे, फिर क्या कह रहे हो बड़ा पाव आएगा? किसने बोला? तो अभी बोला तुमने बड़ा पाव आगे लोगे हो क्या? ये कैमरा ऑन था बेटा, झूठ बोल रहा, देखा पकड़ा गया कैमरे के बीच में। चलो अभी चेक करते आगे। एंड इस वाले रास्ते में ना भाई इतना कुछ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घाट सा थोड़ा सुनसान सा एरिया है। टोल पड़ा था ना, घाट तुम्हारा मध्य प्रदेश का एग्जिट है, जैसे टोल पड़ेगा जैसे महाराष्ट्र में एंट्री। बट ये है कि पेट्रोल पंप टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे, एंड गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट भी है, तो अगर स्टे वगैरह भी करना है तो रूम्स वगैरह ना मिल जाते हैं 1000-1500 रुपए में। अब इतने हाई फाई वाले रूम्स नहीं होंगे, बट ये है कि आपकी नाइट या फिर अगर थकान हो रही है तो मिटा सकते हो वहाँ। अब देखो एक और पेट्रोल पंप आ गया इतनी देर में, 2 हाँ ये ढाबा भी है वो रहा सामने, एक और आ गया भाई साहब टोल यहाँ पे अभी, एंड ये है शायद से 125 रुपए का। यार मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, रील डाली है मैंने, वो मैंने सुबह चेक करे थे भाई 2.9 मिलियन व्यूज उस टाइम पे, और अभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर 4.5 मिलियन हो गए है भाई साहब, मतलब 2 मिलियन की व्यूअरशिप आ जाना बहुत बड़ी बात है एकदम से 4 घंटे में। एंड काफी लोग मिल रहे हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चला है, मेरे को नहीं जानते वो, बट वो इंस्टाग्राम के थ्रू उनको पता चला होगा, तो उनमें से कई 4-5 बाइक वाले पीछे आ रहे हैं, कह रहे टोल पे रोकना। ये टोल चुका है, यहाँ पे रोकेंगे,
हाँ यहीं लगा लो, सही बात है, रोकना तो है ही, फिर रोकनी पड़ेगी ना, ना यहीं रोक दो ना, आ जाएंगे भाई। ये तो रे, ये रे। खाना खाना है ना, वड़ा पाव क्या खाना खाओगे? खा के नक्की करो, बार बार फोन करें। व्लॉग या इंस्टा पे व्लॉग देखा है आपने? व्लॉग ही देखा था। अच्छा, ये सारे व्लॉग वाले लोग हैं, वैसे इंस्टा वाले बहुत मिल रहे हैं अभी। यहीं पे कुछ खा लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत, ज्यादा भूख तो है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत चला जाए पेट में तो अच्छा है। खाना ही ले रहे हो क्या? वड़ा पाव कह रहे थे। A few minutes later. चलो जी, खाना वाना खा लिया है। अब यहाँ से जो शिरडी है वो 112 किलोमीटर बचा हुआ है। गूगल मैप तो 3 घंटे दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से 3 घंटे लगने तो नहीं चाहिए। है तो रास्ता 1.5-2 घंटे का ही, बट हो सकता है रास्ता खराब हो। बट रास्ते में हमने जितने भी लोगों से पूछा है, सब कह रहे रास्ता अच्छा है भाई। अब आपको बताएंगे जब पहुंचेंगे। फिलहाल टाइम देख लो, 5:11 हो गए हैं। धूप बहुत तगड़ी है, हालत खराब हो रही है। मैं ड्राइव कर लूंगा। तो भाई अभी मनमाड़ पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 20 या 23 किलोमीटर रह गए हैं। मनमाड़ में भाई अनार बहुत फेमस है, वहाँ पे इतने मोटे मोटे ऐसे मीठे मीठे मिलते हैं। क्योंकि हम जब भी शिरडी ट्रेन से जाते थे ना, तो मनमाड़ स्टेशन पे आते ही भाई अनार वाले ऐसे दावा बोल देते थे ट्रेन पे। तो आज देखेंगे रस्ते में यहाँ भी होपफुली मिल जाएंगे, और सस्ते भी बहुत है अनार वहाँ पे। मेरे ख्याल से 10-20 रुपए के मिल जाते थे, इतने छिले हुए पूरे दाने उसके। तो आज अब देखते हैं क्या सीन है, कितना है, रोड पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एंड रास्ता भी भाई बहुत सही है वाला, ऐसे मस्त खुला खुला सा, और नज़ारे भी सामने पूरा ऐसे लग रहा है जैसे जब मनाली जब जाते हैं ना, तो मंडी के बाद का जो एरिया आता है वो हाईवे वाला, और प्रॉपर दूर दूर पहाड़ दिखते हैं, सेम वैसी फील आ रही है। एंड ट्रेन से ना रस्ते में एक पहाड़ आती है जिसका नाम है थम्स अप, उसमें क्या ऐसे अंगूठा सा बना हुआ है, तो थम्स अप पहाड़ कहते हैं उसे। बट ये रोड से नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रेन वाला रूट अलग होगा शायद से, वो कहीं और से घूम घूम के आ रही होगी पटरी। ये वाला रास्ता तो पूरा वो लग रहा है लद्दाख में घाटा लूप्स आते हैं ना, उससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के भाई साहब देख रहे हो, पूरा सीनरी वैसी है, डिट्टो की डिट्टो। ओए होए, अब देखो भाई साहब दूर से, ओए होए होए, गजब गजब लग रहा है, कहीं से भी महाराष्ट्र है ये, ऐसा लग रहा है सही में लद्दाख वद्दाख की साइड ही आ गए। मनमाड़ तो शुरू हो गया भाई, और काफी बड़ी सिटी है। हम तो ट्रेन से आते थे ना, तो पता नहीं चलता था, बाहर बाहर से निकल जाती है ट्रेन, बट एक्चुअल में सिटी काफी बड़ी है। पर अनार कहाँ मिलेंगे वो कह नहीं सकते, तो सबको अब अनार का जो है वो तलब मछली है। तुम तो सोचो तुम्हें है ना खाने ना भाई साहब अनार, बिल्कुल आधा आधा किलो खाएंगे बैठ के। तो वो जो मैं बता रहा था ना थम्स अप वाला पहाड़ी, ये देखो भाई बिल्कुल थम्स अप ही लग रहा है ऊपर से ऐसे, ये लो। और यहीं कहीं पे अब हमें अनार भी मिल जाएंगे फाइनली, मजेदार। और सूरज भी ढल रहा है सामने भाई, पूरा मनमाड़ क्रॉस कर लिया लेकिन अनार नहीं मिले। ड्राइवर मिले, इनसे पूछते हैं आप यहीं के हो, मनमाड़ के हो? ये बताओ अनार फेमस है यहाँ कहाँ मिलते हैं? स्टेशन पे तो मिलते थे, यहाँ नहीं मिलते अब तो निकल। हाँ 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 वही, चलो कोई नहीं भाई, बाद में कभी खाएंगे। यहीं पर गन्ने का जूस मिल गया 15 रुपए का गिलास। अभी भाई शाम के टाइम पे कुछ मौसम अच्छा हुआ है, वरना दिन में तो बहुत गर्मी होती है। मस्त ठंडा ठंडा जूस आ रहा था, मजेदार। मेरे जो शिरडी से 15-16 किलोमीटर पहले का पैच है ना, बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब रोड कंडीशन बिल्कुल ही टूटी फूटी पड़ी है, देखो गड्ढे ही गड्ढे। तो यहाँ पे तो 20-30 या 40 से ऊपर की स्पीड मेंटेन हो ही नहीं सकती, इसलिए ये लास्ट के 25 किलोमीटर कवर करने में गूगल मैप में भी भाई 50 मिनट दिखा रहा था, और अभी मेरे ख्याल 6-7 किलोमीटर और बचा हुआ है। शिरडी ना मेन मतलब काफी बस गया है, मैं लास्ट आया था 3-4 साल पहले, उस टाइम पे इतनी बसावट नहीं थी, अब तो भाई बहुत सही हो गया। और वो सामने जो गाड़ी जा रही है व्हाइट वाली, अपने सब्सक्राइबर है, वो कह रही है कि दर्शन करने हैं तो हम करवा देंगे जल्दी से। यहाँ पे तो आपको पता ही है भाई, संडे का टाइम है, शिरडी में भीड़ तो होगी तगड़ी, दर्शन होने में टाइम लगते। और मेन क्या है, पहले हमने डिसाइड किया था कि रुकेंगे यहाँ, बट अब रुकने का डिसाइड नहीं, अब है कि मुंबई खींचेंगे, तो इसलिए जितनी से जल्दी दर्शन हो जाए उतना अच्छा है, और वो करवा देंगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी हमारी। यहाँ पे द पिलग्रिमेज इन होटल के पीछे साइड में पार्किंग मिल गई है। ये वाला एरिया अभी मंदिर के पास वाला पूरा बस गया भाई साहब, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल की चेन खुल गई है। पहले कुछ नहीं होता था भाई, गिन चुन के ना 4-5 गेस्ट हाउस होते थे, 10-12 साल पुरानी बात है, बट अब बिल्कुल अच्छे से बस चुका है, मस्त एकदम। भीड़ तो है भाई, बट ठीक है, अपना जुगाड़ हो जाएगा, अपने सब्सक्राइबर है साथ। तो ये है भाई मेन यहाँ पर, और अंकल जी बता रहे हैं कि कोरोना के बाद ना माला प्रसाद चढ़ाना बंद कर दिया ना, तो अंदर ही जाते हैं, फ्री वाला प्रसाद मिलेगा बाबा का, और वही दर्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग बाकी अलाउड नहीं अंदर। A few minutes later. चलो भाई दर्शन हो गए अच्छे से, विभूति और प्रसाद दोनों ले लिया। एंड ये रहे सामने द्वारका माई, अंदर अलाउड है वैसे भी, हमारा नहीं ले जा सकते ना, तो यहीं से दर्शन कर लो भाई, यहाँ भी काफी लाइन लगी पड़ी है।
अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है बट बाहर ही इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग हो रखी है, मतलब जो लोग अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर बाबा एक दिन यहाँ सोते थे, एक दिन वहाँ पर एक नीम का पेड़ है उसके नीचे, तो इस वजह से यहाँ को भी बहुत माना जाता है। श्री चावड़ी नाम है इस जगह का और अंदर फोटोज वगैरह ले सकते हैं, शायद लोग ले रहे हैं। तो ये साई बाबा जी की ओरिजिनल दो तस्वीरें हैं, पांडे ने भी दो ले लिया, मैंने भी दो घर वालों के लिए, बाकी ये हमने टांगने के लिए ले लिया गाड़ी में। वैसे तो शिव जी की मूर्ति लगी हुई आगे डैशबोर्ड में बट ये टांग लेंगे हम, सही रहेगा। तो सही है, ये 100-100 रुपए की है तस्वीरें भैया, 100-100 रुपए की है तस्वीरें। और ये कितने का? 30 रुपए का ही है, 100-100 रुपए की है, तो सही है भाई, प्राइस भी कुछ ऐसे नहीं है एंड लिखा भी हुआ ओरिजिनल फोटो 1912 की। पहले मना कर रहे थे कुछ खाना नहीं है, एक और ले आओ फ्राइज, चीजी फ्राइज ले आओ, बड़ी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, सब कुछ आगे रखा हुआ है बट पेट भर के नहीं दे रहा है। यहीं पे भाई साहब मैकडी मिल गया हमें एंड काफी सारी और भी रेस्टोरेंट की चेन ना खुली हुई है, पिज्जा वीजा खाना सब मिल जाता है फ्रीडी में। सबसे अच्छी बात भाई फ्री वाईफाई था मैकडी के अंदर 5G वाला, तो मैंने अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया कल जो सुबह लाइव होना है, तो अब उसकी टेंशन तो खत्म। अब सीधा हम यहाँ से खींच रहे भाई मुंबई, पहले हम सोच रहे थे शिरडी में रुक जाएंगे बट अब रुकने का कोई प्लान नहीं है, सीधा पेलम पेल मुंबई खींचते हैं। 250 किलोमीटर है केवल और 4.5-5 घंटे लगेंगे, पहले अभिषेक चला लेगा 1.5-2 घंटे, फिर 1.5-2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे, होटल लेके रुकेंगे और कल करवाएंगे अपनी गाड़ी की टिपिंग, धमाधम मजेदार। यहाँ पे भाई उन्होंने टीका वीका लगवा दिया था मस्त, वरना लाइन में खड़े रह जाते तो खड़े ही रह जाते। एक्चुअल में हमारे सब्सक्राइबर ना वो ट्रस्टी थे यहाँ के, तो इसलिए उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर भाई सीधा मेन दर्शन करवा दिए, वरना तो हालत खराब हो जाती, 2-2.5 घंटे लगते लाइन लाइन में खाली। बाकी सब लोग कह रहे यार यहाँ से मुंबई का अच्छा रास्ता है, तो व्लॉग तो क्या ही करना अंधेरे में, थोड़ी देर में पीछे लेट के अपना एडिटिंग वेडिटिंग कर लूंगा, बाकी फिर मिलते हैं सीधा मुंबई में, कुछ अपडेट होगी तो दे देंगे। लो जी लो फाइनली भाई मुंबई पहुंच गए हैं हम, और अपनी इस 110 दिन की जो लंबी ट्रिप होने वाली है उसका पहला पड़ाव हो चुका है पूरा मुंबई तक का। कल हम जाएंगे पोर्ट पे और अगली वीडियो में आप देखोगे कैसे हम यहाँ से शिप करते हैं अपनी गाड़ी को ईरान तक, वो होगा एपिसोड नंबर 9 या 10 जो भी है। बाकी इस व्लॉग में आपने देखा कैसे हम गुड़गांव से गए इंडिया गेट, इंडिया गेट से वापस गुड़गांव गए, फिर गुड़गांव से गए इंदौर, इंदौर से गए हम शिरडी, शिरडी के बाद आए हम फाइनली मुंबई। लगभग हमने 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है कल से एंड अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं। मिला चलो भाई फाइनली भटक भटक के 2-2.5 घंटे बाद होटल मिल गया है, और इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल वाले व्लॉग में बताएंगे पूरा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, तगड़ी वाली नींद आ रही है। ओके जी बाय बाय।